वेलकम टू ए स्पोर्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग एक सॉर्टिंग टेक्निक है जहां पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उन्हें करेक्ट ऑर्डर में एक्सचेंज करके लगा देते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक एरे लिया है जिसमें चार एलिमेंट्स है 12, 3, 14 और 10। और अब इसे हम बबल सॉर्टिंग टेक्निक से सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करते जाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे जो कि है 12 और 3। तो 12 और 3, 12 क्योंकि बड़ा है 3 से तो ये दोनों गलत ऑर्डर में है तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप में एरे बनेगा वो होगा 3, 12, 14 और 10। अब क्योंकि मैंने पहले एलिमेंट को स्वैप कर दिया तो अब हम 12 और 14 को कंपेयर करेंगे। अब ये दो एडजेसेंट एलिमेंट्स करेक्ट ऑर्डर में है तो हम इसे एज इट इज उतार लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो एरे बन जाएगा वो होगा 3, 12, 14 और 10। अब हम 14 और 10 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्योंकि ये गलत ऑर्डर में है तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हम इन्हें एक्सचेंज कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में जो एरे बनेगा वो होगा 3, 12, 10 और 14। तो बबल सॉर्टिंग टेक्निक में जो आईएथ एलिमेंट होता है लास्ट से वो एलिमेंट सॉर्टेड होते जाता है। तो जैसे कि ये स्टेप वन था तो जो लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि है 14 वो अपने सॉर्टेड पोजीशन पे हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पास में आते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हम 3 और 12 को कंपेयर करते हैं क्योंकि ये करेक्ट पोजीशन पे है दोनों अपने तो हम इसे एज इट इज उतार लेंगे 3, 12, 10, 14। अब हम 12 और 10 को कंपेयर करते हैं तो क्योंकि ये गलत पोजीशन में है दोनों तो 3, 10, 12 और 14 हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो क्योंकि ये सेकंड स्टेप था तो हम पीछे से जो दो एलिमेंट्स है वो हमारे लिए अब सॉर्टेड हो चुके हैं। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे लिए अब सॉर्टेड हो चुके हैं, ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है। अब हम थर्ड पास पे आते हैं यानी कि थर्ड स्टेप पे। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 3 और 10 को क्योंकि 3 और 10 दोनों करेक्ट ऑर्डर में है तो हम इसे एज इट इज उतार लेते हैं 3, 10, 12 और 14। हम 10 और 12 को इसलिए नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुका है। इसी तरह हम स्टेप 1 में 14 को सॉर्टेड कर चुके हैं इसलिए हम 10 और 14 को कंपेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास तीन एलिमेंट्स अब सॉर्टेड पोजीशन में हो चुके हैं। और क्योंकि तीन एलिमेंट्स अगर अपने करेक्ट पोजीशन में है तो जो आखिरी का बचा हुआ एलिमेंट रहता है वो खुद ब खुद सॉर्टेड हो जाता है। तो इसीलिए बबल सॉर्टिंग टेक्निक भी सिलेक्शन सॉर्ट जैसे ही जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतना -1 स्टेप्स में सॉर्ट करती है एरे को। तो अब हम बबल सॉर्टिंग के पीछे जो लॉजिक यूज हुआ है उसे देखते हैं एज अ प्रोग्राम में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो लूप यूज करेंगे। ये पहला लूप जो कि 0 से n-1 तक चलेगा। तो पहले लूप का रीजन क्योंकि वो 0 से n-1 तक चल रहा है वो ये है क्योंकि ये सॉर्टिंग टेक्निक भी हमेशा n-1 स्टेप्स में एरे को सॉर्ट कर देती है। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि वो n-1 स्टेप्स में एरे को सॉर्ट कर दे रही है। तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रख देंगे और n-1 तक इस लूप को इटरेट कराएंगे। उसके बाद से जो दूसरा लूप है वो फिर से 0 से n-i-1 तक चलता है। इस लूप का जो n-i-1 तक चलने का रीजन है वो ये है क्योंकि हर स्टेप में ith जो एलिमेंट्स सॉर्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे पहले स्टेप में लास्ट जो एलिमेंट होगा वो सॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होंगे वहां पे लास्ट 2 एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे और थर्ड स्टेप में लास्ट 3 एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम उस लूप को n-i-1 तक चलाते हैं ताकि जब वो 0th रहे तो n-1 तक वो चले, उसके बाद जब i की वैल्यू 1 हो जाए तो वो n-2 तक चले। n-2 तक का मतलब कि वो सिर्फ इसके आगे के वैल्यूज को ही कंपेयर करेगा। उसके बाद से हम हर एडजेसेंट वैल्यू को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद से अगर वो असेंडिंग आपको रखना है तो आप लेस देन या ग्रेटर देन का सही तरीके से यूज करके उसे स्वैप कर दीजिए और जो नया एरे आखिरी में आएगा वो होता है सॉर्टेड एरे बबल टेक्निक से।